Hello everyone. In this video, we will discuss about the plant life cycles and alternation of generation. तो plant की जो life cycles होती हैं, वो generally तीन तरीके की होती हैं. Haplontic life cycle, diplontic life cycle and haplodiplontic life cycle. और alternation of generation. Alternation of generation का मतलब अभी हम देखेंगे कि क्या होता है, किसे कहते हैं हम alternation of generation. तो plants में क्या होता है? In case of plant, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों ही डिवाइड करती हैं बाय द सेल डिवीजन विच इज कॉल्ड माइटोसिस. माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं. मतलब अगर 46 वाली सेल डिवाइड हो रही है तो इट फॉर्म्स 46 क्रोमोसोम. तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. तो जितनी भी प्लांट में हैप्लॉइड सेल्स होती हैं और डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स का मतलब जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि 23, और जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो दोनों ही किससे डिवाइड होती हैं? बाय माइटोसिस. फिर इन दोनों से ही जब डिवाइड होती हैं तो दोनों ही डिफरेंट तरीके की प्लांट बॉडी बनाती हैं, दैट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. तो जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस. और जब गैमेट प्रोड्यूस करेगी कोई भी प्लांट बॉडी, तो इसका मतलब क्या है? जब प्लांट बॉडी कोई गैमेट प्रोड्यूस कर रही है उसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट. ठीक. तो जब गैमेटोफाइट होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है गैमेट्स. गैमेट्स जब दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का. जाइगोट अगेन आगे माइटोसिस करेगा, माइटोसिस से बनाएगा एक डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. तो किसी किसी प्लांट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, और किसी किसी में क्या होता है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, मतलब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, दैट इज स्पोरोफिटिक. गैमेटोफिटिक का मतलब होता है गैमेट्स प्रोड्यूस करना, और स्पोरोफिटिक का मतलब होता है स्पोर्स प्रोड्यूस करना. Now, अब जो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ किसमें प्रोड्यूस होंगे? अब जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी है यहां से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. ये स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे. तो ये हैप्लॉइड जो स्पोर्स बने हैं ये किस प्रोसेस से बनेंगे? बाय मियोसिस. फिर दोबारा से मियोसिस से क्या बन गया? स्पोर्स बन गए. अब स्पोर्स से दोबारा क्या होगा? माइटोसिस से एक दोबारा से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाएगी. तो ये प्रोसेस पूरी प्लांट में चलता रहता है कि हैप्लॉइड से देन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी आती है, देन गैमेटोफिटिक से देन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आती है, फिर स्पोरोफिटिक से एक बार फिर क्या आती है? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ मियोसिस. हमने ये पीछे बहुत सारी ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स वगैरह में हमने ये देखा भी था कि किस तरीके से होता है. तो ये जो लाइफ साइकिल होती है किसी भी रिप्रोड्यूसिंग, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की, वहां पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार गैमेटोफिटिक स्टेज आना एंड देन स्पोरोफिटिक स्टेज आना. तो देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. गैमेट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कर रहे हैं, और जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कर रही है. तो दिस देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट. तो तीन तरीके की लाइफ साइकिल्स देखी जाती है किसी भी प्लांट में. पहली होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरी होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और तीसरी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. दिस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. नाउ द फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है? अब जनरली ये हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होती है, ये जितनी भी एल्गीज होती हैं, जैसे वॉलबॉक्स है, स्पाइरोगाइरा है, ये सारी स्पीशीज एल्गी की हैं, तो इन सब में ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है. क्या होता है इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? जब हमने एल्गी पढ़ा था तो ये बताया था कि यहाँ पर जो कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं होती कि हाँ ऐसी स्टेज आ रही है, स्पोरोफिटिक स्टेज आ रही है. इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट. सिर्फ जाइगोट बनता है जिसको हमने स्पोरोफिटिक का नाम दे दिया है. देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट. तो क्या होगा? गैमेटोफिटिक स्टेज होगी. नाउ गैमेटोफिटिक स्टेज से क्या होगा? गैमेट्स फॉर्म होंगे, मेल और फीमेल दोनों जब फॉर्म होंगे गैमेट्स, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस.
जब गैमेटोजेनेसिस हो गया मतलब फॉर्मेशन हो गया गैमेट्स का, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बन गए, दोनों आपस में फ्यूज हो गए, जिसे हम कहते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो फॉर्म होगा जाइगॉट विच इज डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड जाइगॉट बन गया तो डिप्लॉइड जाइगॉट से मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या होगा स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये स्पोर्स प्रोड्यूस होने के बाद जर्मिनेट होके अगेन क्या आप बॉडी बना लेंगे इस गैमेटोफिटिक। तो आपने ये देखा यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक स्टेज आ रही है वो फ्री लिविंग नहीं है, मतलब एक तरीके की अपने आपको स्टे नहीं कर रही है। डायरेक्टली क्या हो रहा है उससे डिवीजन हो रहा है मियोसिस और गैमेटोफिटिक स्टेज आ रही है। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। किस किस स्पीशीज में होता है, वॉलबॉक्स स्पाइरोगाइरा में और क्लेमाइडोमोनास में ऐसा होता है। उसके बाद है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है जो डिप्लॉइड यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक स्टेज होगी वो डोमिनेंट होगी और फोटोसिंथेटिक होगी, इंडिपेंडेंट फेस ऑफ प्लांट होगा। तो हमने जो जिम्नोस्पर्म्स पढ़ाए थे आपको, एंजियोस्पर्म्स देखे थे हमने, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं वहां पे इस तरीके का पैटर्न होता है। तो वहां पे एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है, मतलब कहना चाहिए एक डोमिनेंट स्टेज आती है विच इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक। और स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब एक तरीके का प्लांट है तो इसका मतलब डिप्लॉइड तो होगा ही। ये बॉडी, इस बॉडी से क्या होगा, इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। फिर वो स्पोर्स क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस के बाद जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस बना है, गैमेटोजेनेसिस अब जो फॉर्म होगा इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी आएगी कंडीशन, देन जाइगॉट बनेगा एंड देन अगेन स्पोरोफिटिक स्टेज आएगी। तो यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक फेज होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो ऐसी तरीके की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एंड इट इज इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। उसके बाद है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं या टेरिडोफाइट्स होते हैं वहां पे एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है हम जिसको हैप्लोडिप्लोन्टिक कहते हैं। दोनों ही फेसेस कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। तो इस केस में देखिए आप कैसे होता है हैप्लोडिप्लोन्टिक। जैसे गैमेटोफिटिक स्टेज है, गैमेटोजेनेसिस होगा, सिनगैमी होगा, जाइगॉट बनेगा एंड देन अगेन स्पोरोफिटिक स्टेज आएगी। उसके बाद स्पोरोफिटिक स्टेज से मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे एंड देन अगेन इस गैमेटोफिटिक। तो ये जो हैप्लोडिप्लोन्टिक है ये इट इज इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक, तो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स क्या होता है, ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक और थैलोइड इरेक्ट फेस जो होता है वो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। वहां पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक स्टेज है। अगर किसी ने, ये हमने ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में भी डिस्कस किया था, तो ये जो स्टेज आती है गैमेटोफिटिक इन केस ऑफ ब्रायोफाइट ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज रिप्लेस हो जाती है एक लॉन्ग लिव्ड स्टेज में जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज। ये स्पोरोफिटिक स्टेज जब आती है तो ये स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है ये न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहती है, गैमेटोफिटिक के ऊपर ही डिपेंड रहती है। तो इसलिए इसको हमने कहा है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। उसके बाद अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, वहां पे भी हैप्लोडिप्लोन्टिक पाई जाती है। किस तरीके से पाई जाती है वहां पे, लेकिन क्या डिफरेंस है, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, लेकिन इन केस ऑफ टेरिडोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। जो स्पोरोफाइट है उसको डोमिनेंट फेस कहा जाता है, इंडिपेंडेंट फेस कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक फेस कहा जाता है। तो ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक होती है ये किसके ऊपर, ये भी यहाँ पे इन केस ऑफ टेरिडोफाइट ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक, इट ऑल्टरनेट्स विद मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज। तो इस पैटर्न को इन केस ऑफ टेरिडोफाइट हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉटिक। तो डिफरेंस यही है कि ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वहां पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है यहाँ पे ये
इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स ये शॉर्ट लिव्ड होती है और किसके ऊपर डिपेंड रहती है, गैमेटोफिटिक स्टेज के ऊपर डिपेंड रहती है। बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स जो शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है वो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है।